पंजाब के सरकारी अस्पतालों में भी अब ऐसी सुविधाएं मिलेंगी जो कि आमतौर पर हम प्राइवेट अस्पतालों में देखते हैं। मैं इस वक्त पटियाला के सरकारी अस्पताल में मौजूद हूं, माता कौशल्या देवी अस्पताल है ये। यहां पर आप देखिए तमाम जो ये सुविधाएं आप देख रहे हैं, आमतौर पे इतने साफ़ सुथरे वार्ड और बेड और जो तमाम जो आधुनिक मेडिकल उपकरण हैं वो प्राइवेट अस्पतालों में दिखाई देते हैं, लेकिन इस बार पंजाब में मिशन सेहतमंद पंजाब की शुरुआत हो रही है जिसके तहत सरकारी अस्पताल भी इसी तरह से दिखाई देंगे। हमारे साथ इस हॉस्पिटल के मेडिकल सुपरिटेंडेंट मौजूद हैं। सर, ये कितना बड़ा बदलाव है जो आम तौर पे जो सरकारी अस्पतालों में लोग आते हैं, गांवों के रहने वाले, ग्रामीण इलाकों के कुछ ऐसे लोग जो महंगा इलाज अफोर्ड नहीं कर सकते, तो उनके लिए कितना बड़ा ये उपराला मानते हैं आप? आपको बताना चाहूँगा कि जो माता कौशल्या हॉस्पिटल है ये बेसिकली मटर्निटी हॉस्पिटल जाना जाता है, लेकिन यहाँ पे सब स्पेशलिटीज़ हैं। और अब हमारे यहाँ पे हॉस्पिटल में एक ICU भी खुल गया और NICU भी शुरू हो रहा है। तो जैसे आप पूछ रहे थे कि ये ICU जो इलाज होता है वो बहुत महंगा होता है, तो अब यहाँ पे हमारे पास 10 वेंटिलेटर हैं और जो भी लोग आएंगे यहाँ पे वो यहाँ के सपोज़ करो कोई हेड इंजरी वाला पेशेंट आता है, उनको लंबे समय के लिए यहाँ पर रखना पड़ता है, तो दैट्स अ वेरी कॉस्टली ट्रीटमेंट। प्राइवेट हॉस्पिटल्स में यह कम से कम 10-15 हज़ार रुपये रोज का खर्चा होता है, तो वो पेशेंट्स की फैमिली के ऊपर बहुत बड़ा बोझ बन जाता है। तो मैं समझता हूँ कि ये बहुत ही बड़ा लोगों के लिए एक फ़ायदेमंद की चीज़ है, गरीब लोगों के लिए खास करके ICU होना पटियाला डिस्ट्रिक्ट में। डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में मैं आपको बताना चाहूँगा कि डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल लेवल में सिर्फ 2 ही हॉस्पिटल्स हैं जिनमें ये ICU और NICU की फैसिलिटी है, एक जलंधर में है और एक पटियाला में है। सो दिस यूनिट विल बी अ बिग बोन फॉर पीपल, गरीब लोगों का यहाँ पे मुफ्त में इलाज होगा और बहुत सारे लोगों को लाभ होगा। तो सर, आने वाले दिन में अगर हम ऐसे आएंगे तो ऐसा ही पूरा जो आपका वार्ड है ऐसा ही दिखेगा, साफ़ सुथरा जैसा आज दिखाई दे रहा है, जैसे आज से आप लोगों ने एक नई मेडिकल क्रांति की शुरुआत की, आने वाले दिनों में ऐसा ही दिखाई देगा? बिल्कुल जी, क्यों नहीं दिखेगा। ऑफकोर्स ये अगर आप प्लीज़ कभी भी रूटीन में मेरे हॉस्पिटल में आएंगे तो आपको मेरा हॉस्पिटल बहुत ही अच्छा लगेगा। वी ट्राई आवर बेस्ट कि हॉस्पिटल हमेशा ही अच्छा रहे, साफ रहे और लोगों को सभी सुविधाएं मिलें। आज दिल्ली CM आ रहे हैं, पंजाब CM आ रहे हैं, क्या प्रोग्राम है सर आज के इवेंट्स के बारे में? आज सर वो पहले तो एक वो फाउंडेशन स्टोन को अनवेल करेंगे और ये सेहतमंद पंजाब का एक प्रोजेक्ट है 550 करोड़ का, उसकी अनवेलिंग करेंगे यहाँ पे। उसके बाद देन दे विल कम टू आवर ICU, देन दे गो टू द NICU और बच्चों से इंट्रैक्शन करेंगे, पेशेंट से इंट्रैक्शन करके उसके बाद चले जाएंगे जी। तो आप मानते हैं सर पटियाला के लोगों के लिए, पंजाब के लोगों के लिए आज एक बहुत बड़ी शुरुआत यहाँ से होने जा रही है? मैं कहता हूँ ये पहली बात तो ये मेरे हॉस्पिटल के लिए बहुत बड़ी बात है। इट्स मेरा हॉस्पिटल चुना गया फॉर दिस प्रोजेक्ट, ये मेरे लिए बहुत गर्व की बात है और ये पटियाला वालों के लिए और हर लोगों के लिए बहुत ही बड़ी बात है। तो अब सरकारी अस्पताल प्राइवेट से कम नहीं होने वाले? आई होप नॉट, मेरे को लगता है कि हम उनके बराबर तो हो जाएंगे। तो सरकारी अस्पताल भी प्राइवेट अस्पतालों की तरह होंगे और ये एक बड़ी मेडिकल क्रांति की शुरुआत पंजाब में हो रही है। ये एक वादा भी था आम आदमी पार्टी का, चुनाव से पहले जब प्रचार हो रहा था तब वादा किया गया था कि लोगों को प्राइवेट अस्पताल जैसी सुविधाएं सरकारी अस्पतालों में मिलेंगी और आज ये वादा पंजाब सरकार के द्वारा पूरा किया जा रहा है। पटियाला से कैमरामैन वीर सिंह के साथ मोहित मल्होत्रा, TV9 भारतवर्ष।